नई सरकार पर आरटीआई कानून के उल्लंघन का आरोप। सीआईसी ने लिखी एलजी को चिट्ठी। डेंगू से निपटने की तैयारी। केजरीवाल सरकार का आदेश, अस्पतालों में 15% बेड डेंगू मरीजों के लिए रखें आरक्षित। उद्धव ठाकरे के साथ क्यों की बगावत, एकनाथ शिंदे ने नाना पाटेकर को बताया शिवसेना पर फिर ठोका दावा। क्रिटिकल है भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता, अमेरिकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा संदेश। देश के कई राज्यों में मौसम की मार, यूपी के 18 जिलों में 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित, असम के धेमाजी में भी सैलाब से तबाही। 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सैफई पहुंच, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को दी अंतिम विदाई। दिल्ली में अक्टूबर की बारिश ने तोड़ा 66 साल का रिकॉर्ड, 1956 के बाद सबसे ज्यादा वर्षा। कांग्रेस के साथ सभी दलों को आना होगा वरना देश माफ नहीं करेगा, लालू प्रसाद यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह ने दिया जवाब। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, आज रामानुजाचार्य की मूर्ति का उद्घाटन और दीपोत्सव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अमित शाह के कमांडो सुनील फौजी की सड़क हादसे में मौत, 2.5 साल से तैनात थे निजी सुरक्षा में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।